समय नेशनल टीवी न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। मुंबई विधानसभा चुनाव 2017 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अब सक्रिय हो गई है। मुंबई के अलग अलग जगहों पर राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन पर्चा भरा है और साथ ही लोगों को ये आश्वासन भी दिया है कि अगर वे जीतकर आते हैं तो अपने अपने वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे और जनता को होने वाली सारी परेशानियों का निवारण करेंगे। पेश है हमारे वरिष्ठ संवाददाता अरुण कुमार गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। पार्टी उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे भरकर जनता के बीच जाने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में लगभग सभी राजनीतिक दलों के पार्टियों ने आज नामांकन पर्चे दाखिल कर कल से लोगों में प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। मौजूद है नंबर 42 भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार भारती भेंडे जी। कहीं ना कहीं महिला वार्ड होने के बाद उन्हें पहली बार मौका मिला है। भारती जी, आज पर्चा भरा, अपने नामांकन दाखिल किया, क्या प्रमुख लक्ष्य होगा भारतीय जनता पार्टी के बिहार पे आपका? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज पर्चा मैंने भर दिया है और हमारा लक्ष्य है हमारे एरिया में, हमारे जो स्लम एरिया में, जो फॉरेस्ट के लोग, फॉरेस्ट एरिया में जो हमारे लोग रहते हैं, उनको सुविधा उपलब्ध करनी है, उनका उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और पूरे एरिया में जो शौचालय की है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, गटार के पानी की समस्या है, तो वो समस्या का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि ये पूरा मेरे वार्ड में पूरा स्लम एरिया आया है और पूरा अपना फॉरेस्ट एरिया इसमें है। फॉरेस्ट के अधिकारी NOC न देने के कारण हम कोई कार्रवाई कर नहीं सकते और कोई कामकाज की शुरुआत करेंगे तो उस पर उन लोग वापस उसको बिगाड़ देते हैं। तो ये एक बार अपना प्रशासन आने के बाद, एक हमको एक मौका मिलने के बाद, इधर हम लोग कमल खिलाएंगे और कमल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, हम यहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे एक मौका मिलना चाहिए और उनकी जो भी समस्या है, वो जो समस्या वो लोगों की है, उनकी समस्या का समाधान करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी। चुनाव के दौरान कई प्रकार के अवसरवादी नेता अक्सर वार्डों में घूमते नजर आएंगे। बात करें खास करके इस 42 की, तो सिवाय NCP बात करें, आपकी बात करें, तो दूसरा कोई उम्मीदवार आज तक नजर नहीं आया। ऐसे में चुनाव टक्कर आप किससे समझती हैं? नहीं, मेरे ख्याल से चुनाव टक्कर तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैंने इस वार्ड में मेरा दौरा किया, उसमें मुझे ऐसा लगा कि लोगों का लगाव आज कमल के फूल पे ही है, क्योंकि जो लोग पहले की जो सरकार थी, के पहले के जो नगर सेवक थे, उन्होंने लोगों का समस्या का समाधान नहीं किया है, इसके लिए लोग बहुत नाराज है। उनकी नाराजगी दूर करनी है अपने को, क्योंकि उनके कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको नहीं मिला है, इसके लिए लोगों की जो नाराजगी है वो हमको दूर करनी है। बढ़ते हैं एक आखिरी सवाल की ओर। एक आखिरी सवाल होगा, कल से आप पर्चा भरने के बाद कल से लोगों के बीच में जाएंगे, क्या एक आह्वान होगा जनता से, क्योंकि जनता अभी तक वादों से परेशान हो चुकी है, एक दावा करेंगे क्योंकि वादा मुकर चुके हैं, दावा क्या करते हैं कि जब लोग बीच में जाएंगे? मेरा आखिरी सवाल। हम दावा तो जरूर करेंगे, दावा करेंगे और उनको हम लोग ये भरोसा देंगे कि हम जो भी आपकी समस्या है, जो पानी की समस्या है, जो टॉयलेट की समस्या है, जो बिजली की समस्या है, आज 20 साल से लोग अंधेरे में रह रहे हैं, बिना शौचालय के लोग रहे, आज महिलाओं, हमारी महिला पे शौच करती है, अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता भारत अभियान, उस अंतर्गत हमने जो मोबाइल टॉयलेट की जो सुविधा हम लोग उपलब्ध की है, उस माध्यम से इस हम लोग बिजली का भी उनको समस्या का समाधान करेंगे। और लोगों को एक क्या है कि जो मूलभूत समस्या है, जो उनकी मूलभूत आशाएं है, कि लोगों को लग रहा है कि भाई चलो एक बार हम कमल के फूल को जो हम चुन के देंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि 20 साल से वो देखते आए हैं, लोगों ने सिर्फ उनको आश्वासन दिया है लेकिन वो आश्वासन पर पूरे उन लोग उतरे नहीं। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी की एक नागरिक हूँ और मैं यहाँ से मेरी लोगों की सेवा करने के प्रयास करूंगी और उस माध्यम से मैं लोगों की जो भी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करूंगी और उनको पूरा पूरा न्याय दूंगी। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी पुरानी तैयारियां सब चीज हो चुकी है, पूरी तैयारी के साथ अब हर उम्मीदवार अपने अपने वार्ड में दाखिल होगा। देखने वाली बात होगी कि कामों को जनता कितने तवज्जो देती है और किस उम्मीदवार को कर देती है।
न्यूज़ नेम अहमद के साथ समय नेशनल मुंबई।